हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में जानकारी दूंगा। फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ये ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर ने 1928 पे बैक्टीरियम स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया पे एक्सपेरिमेंट किया, जो इंसानों में और बाकी मैमल्स में निमोनिया कॉज करता है। स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया के दो स्ट्रेन्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। पहला है वेरुलेंट डिजीज कॉजिंग, ये स्मूथ है, पैथोजेनिक है और एनकैप्सुलेटेड एस टाइप है। दूसरा है नॉन वेरुलेंट, रफ, नॉन पैथोजेनिक और नॉन कैप्सुलेटेड आर टाइप। इन बैक्टीरियाज को लेके ग्रिफिथ ने चार एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। सबसे पहले इन्होंने स्ट्रेन आर को माइस में इंजेक्ट किया। माइस को निमोनिया नहीं हुआ, माइस सर्वाइव्ड। रीजन ये है कि स्ट्रेन आर में कैप्सूल नहीं होता, तो माइस की इम्यूनिटी ने स्ट्रेन आर को डिस्ट्रॉय किया और इसीलिए माइस को निमोनिया नहीं हुआ, माइस सर्वाइव्ड। सेकेंड केस में इन्होंने स्ट्रेन एस को माइस में इंजेक्ट किया, माइस को निमोनिया हुआ एंड माइस डाइट। रीजन ये है कि स्ट्रेन एस में कैप्सूल होता है, तो माइस का इम्यूनिटी कैप्सूल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया और इसकी वजह से स्ट्रेन एस ने माइस में निमोनिया डेवलप किया और माइस डाइट। थर्ड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने स्ट्रेन एस को हीट किया, तो ये बन गया हीट किल्ड एस स्ट्रेन। इसे माइस में इंजेक्ट किया, वंस अगेन माइस को निमोनिया नहीं हुआ, माइस सर्वाइव्ड। एक्चुअली हुआ ये कि एस स्ट्रेन को जब हीट किया गया तो कैप्सूल डिस्ट्रॉयड हुआ, तो माइस की इम्यूनिटी ने हीट किल स्ट्रेन एस को डिस्ट्रॉय किया, तो माइस कुछ हुआ नहीं, माइस सर्वाइव्ड। अभी फोर्थ एक्सपेरिमेंट में इन्होंने मिक्स किया हीट किल्ड एस बैक्टीरिया विद स्ट्रेन आर बैक्टीरियम और माइस में इंजेक्ट किया। आपको पता है हीट किल्ड एस बैक्टीरिया से माइस को कुछ हुआ नहीं, माइस सर्वाइव्ड, और स्ट्रेन आर से भी माइस को कुछ हुआ नहीं था, माइस सर्वाइव्ड। लेकिन जब दोनों को मिक्स किया गया हीट किल्ड एज बैक्टीरिया विथ स्ट्रेन आर, माइस सफर्ड फ्रॉम निमोनिया एंड माइस डाइट। जब इस डेड माइस का ब्लड लिया गया उसमें लाइफ स्ट्रेन एस मिले, तो फोर्थ एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ऐसा कुछ सब्सटेंस है जिन्होंने हार्मलेस स्ट्रेन आर बैक्टीरियम को डेडली एस स्ट्रेन बैक्टीरियम में कन्वर्ट किया है। ग्रिफिथ ने बताया ये जो चेंज है ये जेनेटिक है। ग्रिफिथ ने सजेस्ट किया कि हीट किल्ड स्ट्रेन एस बैक्टीरियम से कोई जेनेटिक मटेरियल है जिन्होंने स्ट्रेन आर को स्ट्रेन एस बैक्टीरियम में कन्वर्ट किया है। ग्रिफिथ ने कंक्लूड किया कि आर स्ट्रेन बैक्टीरियम ने हीट किल्ड एस बैक्टीरियम से ऐसा कुछ लिया है जिन्होंने आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म किया इनटू स्मूथ कोटेड बैक्टीरियम, जो विरुलेंट हो गया, डिजीज कॉजिंग हो गया।